अमेरिका का तगड़ा ताबीज बनाने में जुटा रूस। सुपर पावर के खिलाफ तैयार कर रहा घातक चक्रव्यूह। रूस के हथियार से चीन और उत्तर कोरिया करेंगे वार। ईरान भी बन सकता है रूस का बड़ा मददगार। भारत को भी मिलेगा आधुनिक हथियारों की खेप। मोदी पुतिन की दोस्ती से चीन को होगी झेप। दोस्तों, अमेरिका को घेरने के लिए रूस ने बड़ा प्लान तैयार किया है। अगर रूस अपने इस मकसद में कामयाब हो जाता है तो फिर अमेरिका की सारी हेकड़ी निकल जाएगी, उसकी दादागिरी खत्म हो जाएगी। सुनने में आपको भले ही थोड़ा अजीब लग रहा हो, लेकिन रूस ने जो ऐलान किया है वो इसी ओर इशारा कर रहा है। अमेरिका की बर्बादी के लिए पुतिन ऐसे चक्रव्यूह रच रहे हैं जिसमें फंसकर उसका पूरा तेल निकल जाएगा। जो चाल अमेरिका ने यूक्रेन के जरिए रूस के खिलाफ चली थी, वही चाल अब पुतिन बाइडेन के खिलाफ चलाने जा रहे हैं। अमेरिका के धुर विरोधी देशों को अपने साथ मिलाकर उन्हें और ताकतवर बनाने जा रहे हैं, जिससे कि जरूरत पड़ने पर अमेरिका की चटनी बनाई जा सके। दोस्तों, दरअसल साउथ कोरिया, ईरान और सीरिया अमेरिका को फूटी आंख नहीं देखना चाहते हैं। चीन तो पहले से ही अमेरिका से चिढ़ा बैठा है और ताइवान के मुद्दे ने उसका पारा और चढ़ा दिया है, लिहाजा वो तो अमेरिका को सबक सिखाने के लिए बेताब है। पुतिन के ऐलान के बाद अब उसे अपने हथियारों के बेड़े में और घातक हथियार शामिल करने का मौका मिल गया है। मतलब कुल मिलाकर पुतिन अमेरिका के खिलाफ एक तगड़ा फंदा तैयार कर रहे हैं। दोस्तों, पुतिन के ऐलान से जहां एक ओर अमेरिका के दुश्मनों को फायदा होगा, वहीं भारत भी अब रूस से वो हासिल कर लेगा जिसकी उसे दरकार है, जो साक्षात दुश्मनों का काल है। भारत की सेना में इसके शामिल हो जाने से चीन कभी भी भारत की तरफ आंख उठाकर देखने की हिमाकत नहीं कर पाएगा। लिहाजा पुतिन का ऐलान भारत के लिए भी मीठी खीर साबित होने वाला है। मतलब पुतिन का ऐलान जहां एक तरफ दुश्मन की बैंड बजाएगा, वहीं दूसरी तरफ भारत के लिए स्वागत गान गाएगा। ऐसा होना लाजमी भी है दोस्तों, क्योंकि मोदी पुतिन का जिगराना दुनिया जानती है। अमेरिका के लाख कहने के बाद भी मोदी ने पुतिन का साथ नहीं छोड़ा था। दोनों की जिगरी यारी अमेरिका को खटक रही है, इसीलिए वो इसे तोड़ना चाहते हैं। लेकिन अब पुतिन ने उसे ही तोड़ने का इंतजाम कर दिया है। सन की तानाशाह किम जोंग के साथ मिलकर पुतिन वो खिचड़ी पका रहे हैं जिससे अमेरिका को दस्त होने लगेगी। लेकिन पुतिन करने क्या जा रहे हैं, अभी तक ये यक्ष प्रश्न कायम है। आज के इस वीडियो में हम इसी पर चर्चा करेंगे, तो चलिए शुरू करते हैं। पुतिन ने चल दिया मास्टर स्ट्रोक। अमेरिका को घेरने की पूरी तैयारी। रूस देगा दोस्तों को सबसे मॉडर्न हथियार। दोस्तों, रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने ऐलान किया है कि वो साथी देशों जिसमें लैटिन अमेरिका, एशिया और अफ्रीका शामिल है, उन्हें मॉडर्न हथियारों से लैस करेंगे। पुतिन ने कहा कि उनका देश अपने साथियों की अहमियत समझता है और इसीलिए फैसला लिया गया है। पुतिन ने इंटरनेशनल टेक्निकल फोरम आर्मी 2022 में यह बयान दिया है। पुतिन ने अपने इस भाषण के सहारे दुनिया को यह संदेश भी दिया है कि उनके देश के पास एडवांस हथियारों की कमी नहीं है, साथ ही उनका देश मित्रों के साथ टेक्नोलॉजी साझा करने के लिए भी तैयार है। पुतिन का यह ऐलान ऐसे समय हुआ है जब यूक्रेन के साथ युद्ध जारी है, तो वहीं चीन और ताइवान के बीच भी तनाव चरम पर है। दोस्तों, यहां सवाल ये उठता है कि क्या पुतिन ने अमेरिका को फांसने के लिए इसका ऐलान किया है? क्या पुतिन की ये नीति अमेरिका के गले की फांस बन सकती है? क्या साथी दोस्तों को मजबूत करके पुतिन अमेरिका की जड़ खोद सकते हैं? क्या चीन और ताइवान के साथ मिलकर रूस कुछ बड़ा खेला खेलने जा रहे हैं? दोस्तों, इन सवाल के जवाब जानने के लिए आपको ईरान, साउथ कोरिया, चीन और रूस की वो केमिस्ट्री समझनी होगी जो हाल फिलहाल में फलीभूत हुई है। इसके बाद ही आप पुतिन के इस ऐलान का पूरा मकसद समझ पाएंगे। सन की तानाशाह से हाथ मिलाने जा रहे पुतिन। अमेरिका के खिलाफ ईरान के साथ खड़ा है रूस। चीन भी खुलकर कर रहा है अमेरिका का विरोध। चिट्ठी आई है, आई है, चिट्ठी आई है। जी हाँ दोस्तों, पुतिन और किम जोंग आजकल अपने सूबे में यही कहते फिर रहे हैं, एक दूसरे से दोस्ती की बात कह रहे हैं। हालांकि धरातल पर अभी कुछ ऐसा ठोस नहीं हुआ है जो दोनों देशों की दोस्ती को और मजबूत बनाए, लेकिन माना जा रहा है कि दोनों ने अमेरिका के खिलाफ लामबंद होने की तैयारी पूरी कर ली है और इस गठजोड़ में चीन, ईरान को भी शामिल किया जा सकता है। दोस्तों, दरअसल एक तरफ जहां रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने पश्चिमी देशों की रातों की नींद उड़ा रखी है, तो वहीं दूसरी ओर उत्तर कोरिया के सुप्रीम लीडर किम जोंग उन भी अक्सर अपने हथियारों की झांकी निकालते रहते हैं। दोनों ही नेताओं ने दुनिया के दो कोनों पर खलबली मचा रखी है, लेकिन अब दोनों ने मिलकर अमेरिका की बैंड बजाने की ठानी है। हाँ, सही सुन रहे हैं आप, ऐसा ही कुछ होने जा रहा है, क्योंकि पुतिन ने किम जोंग उन से कहा है कि रूस उत्तर कोरिया के साथ अपने संबंधों को बढ़ाएगा। विशेषज्ञों का मानना है कि दोनों देशों को लगने लगा है कि उन्हें एक दूसरे की जरूरत है और एक दूसरे को देने के लिए उनके पास कुछ है। प्योंगयांग की सरकारी मीडिया के मुताबिक पुतिन ने किम जोंग उन से कहा है कि दोनों देश साझा प्रयासों से व्यापक और रचनात्मक द्विपक्षीय संबंधों का विस्तार करेंगे। उत्तर कोरिया के लिबरेशन डे पर किम को लिखे अपने पत्र में पुतिन ने कहा कि घनिष्ठ संबंध दोनों देशों के हित में होंगे
और कोरियाई प्रायद्वीप और पूर्वोत्तर एशियाई क्षेत्र की सुरक्षा और स्थिरता को मजबूत करने में सहायक होंगे। किम ने भी एक पत्र पुतिन को भेजा है जिसमें उन्होंने कहा, रूस और उत्तर कोरिया की दोस्ती दूसरे विश्व युद्ध में जापान पर जीत के साथ मजबूत हो गई थी जिसने कोरियाई प्रायद्वीप पर कब्जा कर लिया था। किम ने कहा कि तब से दोनों देशों के बीच रणनीतिक और सामरिक सहयोग, समर्थन और एकजुटता शत्रुतापूर्ण ताकतों से खतरों को विफल करने के लिए उनके साझा प्रयासों से और अधिक ऊंचाइयों पर पहुंच गई है। प्योंगयांग ने शत्रुतापूर्ण ताकतों की पहचान उजागर नहीं की, लेकिन आमतौर पर वो इस तरह के शब्दों और भाषा का इस्तेमाल अमेरिका और उसके सहयोगियों के लिए करता आया है। पिछले दिनों एक रिपोर्ट में दावा किया गया था कि यूक्रेन युद्ध में बड़ी संख्या में सैनिकों को गंवाने के बाद अब रूस उत्तर कोरिया से 100,000 सैनिक मांग रहा है और बदले में क्रूड ऑयल और गेहूं देने का ऑफर दिया है। दोस्तों, दरअसल पुतिन और किम जोंग आपस में हाथ मिला लेते हैं और रूस उत्तर कोरिया को हथियारों की तकनीक ट्रांसफर कर देता है तो अमेरिका के लिए ये एक बड़ी मुसीबत हो जाएगी, क्योंकि संभव है कि रूस उत्तर कोरिया के परमाणु कार्यक्रम में भी मदद कर दे, जो किसी भी लिहाज से अमेरिका के लिए ठीक नहीं रहेगा। दोस्तों, साउथ कोरिया के साथ ही ईरान भी अपने परमाणु कार्यक्रम का विस्तार कर रहा है और अगर रूस इस क्षेत्र में उसकी मदद कर देता है तो फिर वो अमेरिका के लिए भी मुसीबत खड़ी करने में रूस का साथ दे सकता है। दोनों देशों की दोस्ती भी काफी मजबूत है। रूस खुलकर ईरान पर लगे प्रतिबंधों की मुखालफत करता है, लिहाजा रूस को लेकर ईरान के मन में सॉफ्ट कॉर्नर भी है। दोस्तों, चीन और अमेरिका की दुश्मनी और पुतिन और जिनपिंग की दोस्ती के बारे में तो दुनिया जानती है, लिहाजा रूस के इस चक्रव्यूह में चीन एक बड़ा योद्धा के रूप में शामिल होगा, इसमें भी कोई संदेह नहीं है। मतलब कुल मिलाकर पुतिन ने बाइडेन की ऐठन निकालने का पूरा इंतजाम कर लिया है। दोस्तों, राष्ट्रपति पुतिन ने कहा है कि हम अपने सबसे मॉडर्न टाइप हथियारों, जिसमें छोटे हथियारों से लेकर बख्तरबंद वाहन और सेना के लिए युद्ध से जुड़ा बाकी सामान है, उनकी पेशकश अपने दोस्तों के सामने करने के लिए तैयार है। उन्होंने कहा कि वो हथियार है जिन्हें एक बार युद्ध में इस्तेमाल किया जा चुका है और ये आज भी दुनिया पर भारी पड़ सकते हैं। दोस्तों, आपको बता दूं कि हाल ही में रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन अपने दोस्तों और बेलारूस के तानाशाह अलेक्जेंडर लुकाशेंको को इस्कंदर एम परमाणु मिसाइल देने का ऐलान किया था। कम दूरी तक मार करने वाला ये मिसाइल यूक्रेन में इन दिनों तबाही मचा रही है। पुतिन ने बेलारूस की वायुसेना के सुखोई 25 विमानों को अपग्रेड करके परमाणु बम ले जाने में सक्षम बनाने का भी ऐलान किया है। दोस्तों, बेलारूस सोवियत जमाने की SS-25 अंतर महाद्वीपीय मिसाइल को अपने पास रख चुका है। बेलारूस के पास सोवियत संघ के विघटन के दौरान परमाणु हथियार थे, लेकिन उसने साल 1993 में इन महान विनाशक हथियारों को रूस को लौटा दिया था। रूस पर हमला करने के दौरान रूस ने अपने सैनिकों को बेलारूस में तैनात किया था और वहां से यूक्रेन पर हमला बोला था। यही नहीं, बेलारूस की जमीन से रूसी सेना यूक्रेन पर इस्कंदर मिसाइल से हमले कर रही है। ऐसी आशंका है कि बेलारूस भी यूक्रेन युद्ध का हिस्सा बन सकता है, वो भी तब जब रूस बेलारूस को फिर से परमाणु हथियारों से लैस करने की योजना बना रहा है। पश्चिमी विशेषज्ञों का मानना है कि कागज पर तो ये मिसाइलें बेलारूस की होंगी, लेकिन असल में वो रूसी सेना की होंगी। इन मिसाइलों में रूसी परमाणु बम लगा होगा। ये परमाणु मिसाइलें बेलारूस से सटे नेटो देशों पोलैंड, लिथुआनिया, लाटविया, एस्टोनिया, हंगरी, स्लोवेनिया और चेक रिपब्लिक के पास तैनात होंगी। जानकारों का कहना है कि पुतिन अगर बेलारूस में परमाणु हथियार तैनात करते हैं तो बाल्टिक देशों के साथ उनका तनाव बहुत ज्यादा बढ़ सकता है। दोस्तों, वहीं अगर बात करें तो रूसी राष्ट्रपति के उस ऐलान की जिसके तहत उन्होंने अपने दोस्तों को आधुनिक हथियार देने का फैसला किया है, तो इसे लेकर भी पश्चिमी देशों के बड़े तर्क हैं। उनका कहना है कि यूक्रेन युद्ध में रूस के हथियार फिसड्डी साबित हो रहे हैं। इन हथियारों को लेकर भी उसके सैनिक यूक्रेन का कुछ नहीं बिगाड़ पा रहे, लिहाजा रूस के हथियारों को लेकर सवाल उठने लगे हैं। लिहाजा अब रूस का हथियार कोई देश खरीदने से पहले 100 बार सोचेगा, खासकर भारत जो कि रूस से बड़े पैमाने पर हथियार खरीदता है। दोस्तों, इसमें कोई दो राय नहीं कि भारत रूस के हथियारों पर अत्यधिक निर्भर है, लेकिन पीएम मोदी ने मेक इन इंडिया कॉन्सेप्ट के तहत रूस पर भारत की निर्भरता को काफी कम कर दिया है। आज भारत खुद बहुत से स्वदेशी हथियार बना रहा है। 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू विमान हो या घातक हाइपरसोनिक मिसाइलें, भारत सभी क्षेत्रों में तेजी से काम कर रहा है। हाँ, ये बात अलग है कि भारत को इस क्षेत्र में अभी और काम करने की जरूरत है, जिसमें उसे अभी वक्त लगेगा। लिहाजा ऐसे रक्षा उपकरणों को वो दूसरे देशों से खरीद रहा है और इस श्रेणी में पहला नंबर रूस का आता है। दोस्तों, हाल ही में खबर आई थी कि भारत रूस से TU-160 विमान ले सकता है। दरअसल पिछले कुछ सालों में चीन की हर हरकत का भारत ने करारा जवाब दिया है। हालांकि चीन के पास कुछ ऐसे हथियार हैं जिनका तोड़ भारत के पास भी नहीं है। इनमें से एक है चीन का H-6K स्ट्रेटेजिक बॉम्बर। पिछले साल चीन ने भारत की सीमा पर इस बॉम्बर को तैनात किया था, तब इसका तोड़ भारत के पास भी नहीं था। अब खबर है कि भारत रूस से दुनिया के सबसे घातक स्ट्रेटेजिक बॉम्बर TU-160 को खरीदने जा रहा है। रिपोर्ट्स में कहा गया कि रूस से कम 6 TU-160 बॉम्बर एयरक्राफ्ट खरीदने के लिए वार्ता अंतिम चरणों में है। हालांकि इस पर अभी तक कोई आधिकारिक बयान जारी नहीं किया गया है। जय हिंद, जय भारत।